आवर चैनल फूडी सैंड। गाइस आज हम आपके लिए गुरुग्राम आ चुके हैं दिल्ली से बाहर, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। और गुरुग्राम में ना मैं एक ऐसी टिक्की वाले की दुकान आपको दिखाना चाहता हूँ जो भाई पिछले 55 साल से, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा हो गया होगा, 1965 से यहाँ पे टिक्की देती है। दो ब्रांचेज हैं, सेकेंड ब्रांच इनकी ओपन है अभी, फर्स्ट वाली अभी ओपन नहीं हुई है, सेक्टर 15 सोना चौक बड़ा बाजार। तो रूपा की टिक्की के नाम से फेमस है, जब इन गुरुग्राम का नाम गुड़गांव था ना तब से एक दुकान बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलते हैं अंदर, चलते हैं आपको यहाँ की टिक्की और समोसे का टेस्ट दिखाएंगे कैसा है यहाँ पे। और वीडियो लाइक करें और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा। तो चलिए मास्क ऊपर करके अंदर चल के आपको प्रिपरेशन दिखाते हैं, आइए। तो गाइस आप देख सकते हैं टिक्की बन रही है हमारी, और ये सर ने ऊपर से घी डाल दिया। टिक्की समोसे आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है, और अभी अभी अच्छी तरह हुआ भी नहीं है, सारा सामान अभी लगा भी है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी कस्टमर्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ कोयले में बनती है गाइस, कोयले में सिकी हुई टिक्की आपको मिलने वाली है नीचे से। और गाइस आप देख सकते हैं टिक्की ने अब हल्का हल्का अपना कलर पकड़ना स्टार्ट करा है, और यहाँ की टिक्की भाई मुझे काफ़ी अलग सी लग रही है, थोड़ी क्यूट सी टिक्की है, देखेंगे गोल बिल्कुल, और पूरा तवा भी भर जाएगा। एंड अभी कस्टमर्स भी दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पे कस्टमर्स भी काफ़ी आ रहे हैं, ज़्यादातर पैक करवा के लेके जा रहे हैं और कुछ खा भी रहे हैं यहाँ पे। तो सर अभी क्या क्या आइटम्स अवेलेबल होंगे यहाँ पे? टिक्की होगा, दही बल्ला, भुल्ले पापड़ी, पापड़ी चाट। अच्छा, ओके। अभी मतलब क्या क्या नहीं होगा और क्या क्या होगा? जैसे कि गुलाब जामुन सर अवेलेबल नहीं है, गुलाब जामुन नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, सही है। और टिक्की का क्या प्राइस है सर? 65 रुपीज़ की प्लेट है, हाफ 35 की है, ठीक है भाई। यहाँ के स्पेशल छोले आप देख सकते हैं सर, छोलों में क्या क्या ऐड करते हैं? बिना घी के? अच्छा, क्या बात है। इसमें क्या क्या ऐड करते हैं सर? इसमें अपने घर के मसाले हैं। अच्छा, सही है, खड़े मसाले होते हैं। हाँ जी। और प्याज वगैरह कुछ है इसमें? लहसुन वगैरह ना? प्याज लहसुन नहीं होता। बढ़िया, सही है। मतलब बॉइल्ड होते हैं, उसके अंदर आप अपने मसाले डाल देते हैं बस। नाइस भाई, ये चटनी आ गई है लाल वाली, और ये हरी चटनी, लाल चटनी और हरी चटनी। ओके, ये प्याज वगैरह चौकी ऊपर गार्निशिंग वगैरह होगी, और ये सब कुछ है, पैकिंग वगैरह का भी अच्छे से इंतज़ाम है। तो गाइस ये टिक्की देखिए आप एक बार, ये लोगों ने क्रिस्पी टिक्की खाई होती है, मैं कह रहा हूँ ये देखो भाई, इससे क्रिस्पी आपको कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, लग रहा है कि कुरकुरा बिल्कुल बन रहा है यहाँ पे। अंकल जी क्या क्या डालते हैं टिक्की में? टिक्की में आलू है अपना, कुटा हुआ मसाला है अंदर जो करते हैं। अच्छा, रबड़ी छोटे में। अच्छा, पुराने स्टाइल में। अच्छा, क्या बात है। कोले की आज में बनाते हैं। अच्छा, और छोले भी बिना घी के होते हैं। अच्छा, क्या बात है। लोग रिफाइंड यूज करते हैं, घी यूज कर रहे हैं यहाँ पे? घी रिफाइंड मिक्स यूज। अच्छा, मिक्स यूज करते हैं। अच्छा, सही है। सर ये इतनी क्रिस्पीनेस कहाँ से कैसे दिख रही है? मतलब इतनी क्रिस्पी तो टिक्की दिखती नहीं है कहीं, जो इतनी करारी दिख रही है टिक्की आपकी, कुछ बात तो है सर। पुरानी कोयले की आँच पे बनाते हैं। हाँ, ये बात भी हो सकती है। और 1965 से 1965 से फादर चलाते थे। अच्छा सर, ये रूपा नाम कैसे आया? ये फादर का नाम था। फादर का नाम था, अच्छा, क्या बात है। और गाइस आप देख सकते हैं भाई कितनी करारी टिक्कियाँ लग रही है, कमाल लग रही है सच में। दुनिया दाल भरती अंदर। अच्छा। हम अंदर जो है अपना कुटा हुआ मसाला भरते हैं। अच्छा, डबरी छोटे में कुट के। हाँ जी सर। तो चलिए अब अपनी एक प्लेट लगाते हैं और आपको यहाँ के आइटम्स टेस्ट करके बताते हैं। तो गाइस हम हाफ ऑफ प्लेट लगा रहे हैं मैं और मनीष भाई, गर्मा गर्म टिक्की सर ने हाथ से तोड़ दी, ये ऊपर से छोले, ये आगे चटनी, ये हरी चटनी, प्याज, और ये भाई नींबू का जायका। सिंगल प्लेट करी सर ये एक। तो गाइस थोड़ा अभी कोरोना का टाइम है, तो हम कोशिश करते हैं कि हाफ ऑफ प्लेट लें और थोड़ा मतलब झूठा ना हो खाना। अरे चम्मच प्लेट में आ गई हमारी हाफ प्लेट टिक्की, क्या बात है, लाइए सर। 35 रुपीज़ की हाफ प्लेट है। एक समोसा लगा दीजिए, समोसा छोले। सर समोसे कितने प्लेट है? 25। ओके, 45। अच्छा, उसमें हाफ 25। ओके, ये हाफ है। हाँ जी, फुल प्लेट में दो समोसे डाले हैं, लाइए सर। मैं एक बार साइड में रखता हूँ इनको, ये देखिए। और दही वाला पापड़ी बनवाते हैं अभी। आइए ज़रा दही वाला पापड़ी दिखाते हैं आपको। और भाई इधर बनना हमारा दही वाला पापड़ी चाट, और इसका क्या प्राइस है सर? 60 रुपीज़। ओके, इसके अंदर एक भल्ला और कितनी पापड़ी जाती हैं? पाँच पापड़ी। पाँच पापड़ी है।
ये भाई आलू चने, जीरा मसाला, नमक, ओके, और भाई क्रीमी से दही आप देख सकते हैं, क्या बात है। और गर्मी में तो यार दही बल्ला पापड़ी चाट एक मतलब पेट भी भरने वाली बात है और आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि गर्मी में खाने का इसका मज़ा डबल हो जाता है। लाल चटनी, हरी चटनी, मसाला रेडी है सर? ठीक है, परफेक्ट। ये देखिए, तो आई थिंक अपने सारे आइटम्स आ चुके हैं, चलिए अब टेस्ट करते हैं। तो गाइस हमारा चाट हेवन आ चुका है हमारे सामने, आप देख सकते हैं टिक्की, समोसा, दो प्लेट दही बल्ला पापड़ी चाट। गर्मी है यार तो इसलिए हमने दो प्लेट लिए हैं अलग से। और प्राइस की बात करें तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा प्राइस मिल जाएगा। आई थिंक टिक्की 35 रुपीज़ की, हाफ प्लेट है 65 की फुल, समोसा 25-45 और ये भी 60 रुपीज़ का हमारा दही बल्ला पापड़ी चाट है। तो स्टार्ट करते हैं टिक्की से, जो कि दुकान का नाम भी है। ये देखिए मैम, बहुत वैसे सर ने आराम से क्रश कर दिया। ऊपर से ऊपर की लेयर जो ना ये थोड़ी क्रिस्पी सी लग रही थी मुझे, पर अंदर से सॉफ्ट है। ये देखिए जो पहला स्वाद है ना, थोड़ा सा खट्टा सा, और जो मीठी वाली चटनी है उसका, बट कमाल की टिक्की लग रही है, बहुत ही सॉफ्ट लग रही है। और छोले यहाँ के बहुत स्पेशल है। हाँ जी सर, मैं लूँगा फ़ोटो अभी। बिल्कुल, ये देखिए सर, हरी मिर्च वगैरह भी डाल रखे हैं, सारी चीज़ें मिक्स कर रखी टिक्की में, और ओवरऑल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन सारा हर मीठा खट्टा टेस्ट का। नींबू की खटास आ रही है, नींबू का खटासपन जो है, और चीज़ टेस्ट करते हैं। फिर आते हैं समोसे पे। मेरे हिसाब से टेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बस ये कि ऊपर का पार्ट इसका क्रिस्पी होगा, लेकिन ऊपर जो चीज़ें डली है ना वो सेम सी डली है। टूट रहा समोसा भी यहाँ पे, ये यहाँ पे घर पे बना के लाते हैं सारे, यहाँ पे फिर वो गर्म होते रहते हैं। ये देखिए एक बाइट और, सर छोले कमाल के लग रहे हैं सच में, जो फाइनल टच दे रहे हैं ना पूरे उसको, छोले दे रहे हैं यहाँ के, एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं है। एक जो परफेक्ट चाट होती है ना जिसमें आपको हर तरीके का फ्लेवर मिलता है, एक वैसी चाट है, मुझे बढ़िया लग रही है। लेकिन टिक्की अलग ही लेवल की है मैम, टिक्की बहुत ही गजब लग रही है मुझे यहाँ पे। अब आते हैं तीसरे आइटम पे, दही बल्ला पापड़ी चाट। और गर्मा गर्म दो आइटम्स के बाद आपका ज़रूर मन करेगा कि कुछ ठंडा खाया जाए। देखते हैं बल्ले के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, ये मीडियम साइड है ना, ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, सो ओवरऑल ठीक है, बट और सॉफ्ट में थोड़ा ले मतलब और होगा तो ऑब्वियसली आपको और मज़ा ही आएगा। पापड़ी लग गया और दिखने में बहुत टेम्पटिंग है, तो थोड़ा और सॉफ्ट भल्ला होता तो और ज़्यादा बढ़िया रहता। क्रिस्पी सी पापड़ी है, पतली सी मैदे वाली, ये मैं कहूँगा कि मीडियम है। 10 में से अगर मुझे नंबर देना तो मैं इसको 6 या 7 दूंगा। लेकिन टिक्की जो है ना, टिक्की और समोसे कमाल लग रहे हैं सच में। देखो प्राइस का आप बात करें तो 65 रुपीज़ की फुल प्लेट है, जो कि आपको अच्छी शॉप पे जाओगे तो टिक्की की आपको वो मिलती है। हालांकि फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सा हल्का सा ओवर प्राइस है, ज़्यादा नहीं, आई थिंक 50 रुपीज़ के हिसाब से बहुत और ज़्यादा बढ़िया लगती है। फुल प्लेट की बात कर रहा हूँ मैं।
ये चारों आइटम्स हैं यहाँ के जैसे कि आपने देखे। टाइमिंग की बात करें सर, ये टाइमिंग क्या है शॉप की? टाइमिंग ग्यारह से रात 10 बजे तक, 7 डेज ओपन है सर। ठीक है, और जोमेटो स्विगी वगैरह अवेलेबल है सर? ठीक है, होम डिलीवरी होम पार्टनर से भी कनेक्टेड है और टाइमिंग आपने देख ही लिया, 7 डेज ओपन है। तो आए कभी गुरुग्राम में, मैं कहूँगा सबसे पुरानी दुकान जो टिक्की की शायद यही होगी, जो 1965 से। कलर देखो आप टिक्की का भाई, जो करारापन जिसकी आप बात करते हो ना, वो कलर से पता चल रहा है इसमें। आपको डेफिनेटली यहाँ पे विजिट करना चाहिए और यहाँ की टिक्की ट्राई करनी चाहिए, वरना पैक करवा के भी आप लेके जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें गाइस, और बताएं कैसे आपको वीडियो लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।